आप थोड़ा और करीब से देख लीजिए अभी. सो हैप्पी है, थोड़ा सा सैडनेस है, थोड़ा सा मिसिंग पार्ट है, क्या है अभी राइट नाउ? जरा सा बुरा लग रहा है, बहुत थोड़ा सा कि हाँ, मतलब बहुत करीब थे फिनाले के, वो नहीं हो पाया, पर उसके साथ साथ गिल्ट फ्री महसूस हो रहा है, बिकॉज जो नॉमिनेशन हुआ था उसमें मेरी गलती के कारण मेरे दो दोस्त नॉमिनेट हो गए थे, और अगर मेरी गलती की सज़ा किसी और को मिलती तो भले ही मैं घर के अंदर रह जाती, फिनाले में पहुंच जाती, शायद ट्रॉफी लेके चली जाती, पर वो जो गिल्ट मुझे अंदर से मार डालता, वो बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता उस चीज़ से निकलना. सो आई थिंक मेरे लिए हार जीत एक साइड है और गिल्ट फ्री रहना एक साइड है, तो मैं खुश हूँ कि मेरे कंधों पर कोई बैगेज नहीं है, कि मेरे अंदर गिल्ट नहीं है, मैं सुकून में हूँ. मेरे दोनों दोस्त, एक का जो सपना था बिग बॉस जीतना, वो अभी भी वहीं पे है जिसके चांसेस हैं, दूसरा दोस्त भी मेरा वहीं पे है जो डिजर्विंग है. सो आई जस्ट होप कि सब चीज़ एकदम सही रहे, और ऑफ कोर्स अभी उनकी याद आ रही है. So, you know, आप यंगेस्ट कंटेस्टेंट हैं और अच्छा हफ्ते रहना, टॉप सेवन में रहना बहुत बड़ी बात होती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी जर्नी को अगर डिस्क्राइब करना तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये बड़ा ही मतलब ये बहुत अलग जर्नी थी. ये जिस तरीके से चालू हुई, मुझे नहीं लगा था कि इतने अच्छे नोट पे ख़त्म होगी. डाउनफॉल्स, फिर वापस से खड़े होना, फिर गिर जाना, फिर वापस से खड़े होना, फिर अपनी बात रखना, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना, और फिर ऐसे करते करते जो मेरा परिवार बन गया बाहर, जिन्होंने मुझे 18 हफ्तों तक बाहर नहीं आने दिया, उनसे तो मुझे अलग ही प्यार हो गया. मतलब ये बहुत अनएक्सपेक्टेड, मतलब बहुत अनप्रिडिक्टेबल था ये सब. मैंने सोचा था कि मैं 5 हफ्ते में वापस आने वाली हूँ, पर उन लोगों ने मुझे 18 हफ्ते कहीं नहीं जाने दिया. सो आई फील वेरी ग्रेटफुल. क्या कुछ गलत हुआ, क्या कुछ रह गया आपके हिसाब से कि आप फाइनल तक नहीं पहुंच पाए? अपने हिसाब से कहीं सेल्फ एनालिसिस ऑफ योर जर्नी, क्या कुछ रह गया, क्या कुछ कमी पाई लगता है आपको कि ये करना चाहिए? आई थिंक मुझे ऐसा कुछ भी रिग्रेट नहीं है, बिकॉज जो मेरी, अगर मैं अंदर रह जाती तो फिर मैं यही सोचती कि यार मुझे बाहर निकल जाना चाहिए था. अब मैं बाहर आ गई हूँ तो मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जर्नी के साथ. जितनी भी चीज़ें हुई, आई एक्सेप्ट इट. मेरी गलती हुई, वो गलती की सज़ा मुझे मिली, मैं यहाँ पे हूँ, बट आई एम ऑल काम एंड कपोज एंड वेरी हैप्पी. माय फ्रेंड्स आर इनसाइड. ट्रॉफी इंशाल्लाह मंडली के पास आएगी, बस और कुछ नहीं चाहिए, दोस्त कमाए मैंने. लेट हिम आस्क, ही वाज आस्किंग बिफोर. ये मैंने देखा था जब, तो मुझे थोड़ा सा ऑड फील हुआ, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट. पर बिकॉज हर एक इंसान जो उस घर के अंदर है, वो नॉमिनेशन से बचना एक अलग चीज़ है. मैं 12 बार नॉमिनेशंस में आई हूँ, और उतने 12वें नॉमिनेशन में मैं निकली हूँ बाहर. आई थिंक हर एक इंसान उस घर के अंदर बाहर के सपोर्ट से है. एक दूसरे का सपोर्ट मतलब इमोशनल सपोर्ट. पर अगर मेरे दोस्त होते, उसने ऐसी कोई चीज़ बोली है, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हुई, जिस चीज़ का उसे बुरा लगा हो, कोई मेरी बात का बुरा लगा हो, तो उसके मन में वो चीज़ हो, शायद वो मेरे सामने खुल के नहीं रख पाया, जस्ट बिकॉज ही कंसिडर्स मी हिज सिस्टर, एंड बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल, कि उसके बोलने से कहीं मुझे ना बुरा लग जाए, या मैं हर्ट हो जाऊँगी, या मैं रोने लग जाऊँगी. तो आई थिंक कि ये सब बातें वो शायद बाहर आने के बाद बहुत अच्छे से होंगी, बिकॉज यहाँ पे बाहर निकलने के बाद कोई गेम नहीं होगा, हम यहाँ जीतेंगे नहीं. हमने जो जीतना था, मुझे दोस्ती मैंने जीती है, मैंने 6 लोग कमाए हैं अंदर, जो मेरे लाइफ टाइम में, जिनके साथ खड़े रहना चाहूँगी और जो मेरे साथ खड़े रहेंगे, स्पेशली निमृत और साजिद सर, एंड सब लोग. एक्चुअली मैं क्या स्पेशली बोल रही हूँ, स्टैन भी, शिव भी, अब्दू भी. सो आई एम लाइक कि या बट वो तो नेगेटिवली बोल रहे हैं आपके लिए, और आप हैं कि आप बहुत स्वीटली बोल रहे हैं कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई. इट्स नॉट दैट ना कि जब तक मेरी 1-to-1 ऐसे कॉन्वर्सेशन नहीं होगी कि ऐसा क्या तुम्हें बुरा लगा था, आई एम नॉट गोना स्पीक एनीथिंग बैड अबाउट हिम. आई लव दैट गाय, आई कंसिडर हिम एज माई ब्रदर, एज माई एल्डर ब्रदर. मैंने हमेशा से यही माना है कि वो मेरा बड़ा भाई है. उसको भी, स्टैन को भी, निमृत को मैं बड़ी बहन मानती हूँ, साजिद सर को, साजिद सर इज़ अ फादर फिगर फॉर मी. सो मेरे लिए वो एक परिवार है, और जब तक मुझे सामने से क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मैं कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ. सुमुल, प्रियंका और अर्चना के साथ आपकी इतनी नहीं बनी, लेकिन हम बताना चाहूँगी कि बाहर प्रियंका के फैंस और अर्चना के फैंस और इनफैक्ट सौंदर्या के फैंस के सभी ने आपको बोल दिया, क्योंकि उनको लगता है कि जितने भी नॉमिनेटेड हैं उनमें से आप सबसे ज़्यादा डिजर्व हैं. क्या कहना चाहूँगी? अच्छी बात है, मतलब क्या कहूँ, थैंक यू.
ऑफकोर्स मिलने में क्या बुराई है, प्रियंका अर्चना ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, अच्छी हैं दोनों और अर्चना भी बहुत प्यारी है। आई थिंक गेम के बाहर वो और ज़्यादा पोलाइट होंगी थोड़ी सी, वो गेम के चलते चलते वो अलग रास्ता पकड़ लेती हैं, प्रियंका भी शायद बाहर आके उतना वॉल्यूम में बात नहीं करेंगी, पर आई थिंक प्रियंका और अर्चना से इट विल बी नाइस टू हैव अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद देम कि गेम के अलावा जो हम लोग लाइफ के बारे में बात करेंगे कुछ एक नया होगा कि ये हमने कभी बात नहीं की। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है सबसे पहले ये चीज़ कि जितने लोगों ने मुझे अलग एक रियलिटी शो में देखा है, चाहे वो रविवार भी स्टार परिवार हो चाहे वो एमली हो, नॉन फिक्शन और फिक्शन में बहुत फ़र्क है ऑफकोर्स, पर रियलिटी शो में जो लोगों ने मुझे देखा था पहले उसके बाद उन्होंने अलग कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी थी बिग बॉस से, पर आई थिंक बिग बॉस बहुत ही अलग शो है, हम वहाँ पे बस अपने दिमाग से चल रहे हैं और मैं ऐसी हूँ कि ना मैं झगड़ालू मेरा नेचर है, ना मैं बिना कारण के बोलती हूँ कभी, जब मुझे जेन्युइनली कुछ फील होता है मैं तभी अपनी आवाज़ उठाती हूँ, मैं बिना कारण के पूरे घर में चिल्लाती नहीं फिर सकती, मैं मुद्दा नहीं है तो भी मैं मुद्दा नहीं बना सकती, मुझे मुद्दा बनाना है तो मैं अपने ही खुद के बाल तोड़ के सीधा बाथरूम में नहीं डाल दूँगी, मतलब दैट्स नॉट मी, जब तक मुझे जेन्युइनली कोई चीज़ फील नहीं होगी तो मैं वैसे इंसान हूँ, दैट इज़ माई पर्सनैलिटी ट्रेट, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ, मैं अच्छी खासी सिंपल लाइफ जीती हूँ और मैं बहुत सॉर्टेड हूँ, घर में जितनी नौटंकी होती हैं दूर से देख के मैंने बहुत इन्जॉय किया है, कसम से बता रही हूँ, कितने बार सोई भी हूँ। ये गॉड सॉरी, आपने यू नो स्टार्टिंग में शादी में आपको बोला था कि आप ऐसे मत कुछ ला करो, ये मत किया करो, आपको कहीं ना कहीं यू नो वो मना कर रहे थे ये मत करो वो मत करो, बट वही चीज़ साजिद जी ने भी बोला कि ये बचपना यहाँ पर छोड़ दो मैच्योरिटी लेवल पर, क्या लगता है ये दोनों की वजह से आपका गेम कहीं ना कहीं खराब हुआ है या आप इससे अच्छा और कर सकते हैं? एग्जैक्टली बाहर भी आपके फैंस ने बोला कि आपका कॉन्फिडेंस साजिद खान ने काफी ज्यादा तोड़ा। आप लोगों से सवाल है ऐसा कौन सा गेम खेला है मैंने अंदर, क्योंकि मुझे भी जेन्युइनली याद नहीं है, मैंने कोई गेम खेला ही नहीं है भाई, रिएक्शन दे रहा हूं मुझे, अगर मैं किसी मेरे जितने लोग मुझे चाहते हैं, जितने लोगों ने मुझे वोट किया, जितने लोगों ने मुझे पहले से देखा है वो जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, लेकिन बिग बॉस का घर एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग लोग आते हैं अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेकर, जहाँ पे एक 19 साल की लड़की आई थी जो शायद उनकी नज़र में साजिद सर हो या कोई भी हो, शालिन को मैं गिनती भी नहीं इस वक्त, साजिद सर मेरे लिए मैटर करते, कि उन्होंने मुझे पहले देखा नहीं है कि मैं कैसे बिहेव करती हूँ, पर आफ्टर अ पॉइंट ही ऑल्सो रियलाइज्ड कि नहीं सुम्बुल ऐसी ही है, वो उन्होंने साथ में स्टार्टिंग में कितने लोगों ने मुझे मिसजज किया है, सिर्फ वो नहीं है फैंस ने किया है कि ये बचपना कर रही है, ये फालतू का कर रही है, कितनी चीज़ें हुई हैं, बट दैट नेवर चेंज माय कोर पर्सनालिटी, इट्स जस्ट दैट कि सामने वाले को अभी जब आप जानते नहीं हो आप कुछ बोल नहीं सकते, साजिद सर मेरा एक बॉन्ड है और उन्होंने मुझे कभी भी कोई चीज़ समझाई है हमेशा मेरे अच्छे के लिए, एंड व्हाट ही मेंट, ही डिडंट मीन कि ये बचपना करना छोड़ दे या ये सब चीज़, ही नेवर मेंट दैट, ऑल ही मेंट वाज कि नाउ मैं एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ पे मेरी मस्ती मैटर नहीं करती, जहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज मैटर करते हैं, जहाँ पे मैं हर एक सिचुएशन को कैसे देखते हो मैटर करता है, जहाँ पे मेरी मैच्योरिटी मैटर करती है, सो आई डोंट थिंक कि वो वहाँ पे कहीं पे भी गलत हैं, जहाँ पे उन्होंने मुझे बचपना दिखाने से मना किया हो, मस्ती मैंने फिर भी बहुत की है उनके साथ, टांग खिंचाई फिर भी मेरी हुई है बहुत ज़्यादा, तो इट वॉज लाइक अ फैमिली, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। यस आप बोल रहे हो गलत नहीं, बट जब फैमिली वीक हुआ था, जब आपके बड़े पापा घर में आए थे, जब यू नो एक कॉन्वर्सेशन हुई थी जिस दरमियान से साजिद जी उठकर चले, वो प्यार नहीं मिले जिस वजह से साजिद जी उठकर चले गए थे, आप बोल रहे हो कि उन्होंने सही किया, यू नो सही नहीं किया है, सही किया जो भी आपको समझाया, बट वही आपके बड़े पापा का कहना था कि नहीं वो जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, आपको स्टॉप कर रहे हैं। यार मैं अभी नींद आ रही है यार मेरे को, मैं 3 घंटे सो के आई हूँ, बहुत दिमाग दौड़ा रही है, 1 सेकंड रुको भी। हर उस घर के अंदर जितनी भी सिचुएशंस आती हैं, हर एक सिचुएशन में एक अलग रिएक्शन होता है, आई एम नॉट अ पर्सन जो 24 घंटे मस्ती करती रहूँगी, आई एम अ पर्सन कुछ वक्त के लिए मस्ती होगी, मैच्योरिटी वाली बातें होगी,
अगर मैं सिर्फ मस्ती करने वाली होती तो शायद मैं यहाँ पे बैठ के एकदम सीरियस होकर आंसर्स नहीं दे रही होती, तो मैं यहाँ पे ही मस्ती कर रही होती. सो आई थिंक कि कहीं ना कहीं वो भी मैटर करता है, ऑफकोर्स मैच्योरिटी भी. साजिद सर के बारे में मैं सिर्फ इतना बोलूँगी जितना टाइम मैंने उनके साथ बिताया, जो बॉन्ड मैं उनके साथ शेयर करती हूँ उसके ऊपर आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी हक है कोई भी उंगली उठाने का, क्योंकि मैंने वो बॉन्ड जिया है. मैं फारा मैम से मिली हूँ जो मुझसे इतना प्यार करती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि साजिद सर मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं. वो एक अनकहा रिश्ता है, ही इज़ लाइक अ फादर फिगर फॉर मी. एंड उन्होंने मुझे जितना, आप ये बोल रहे हैं, आप ये ज़रूर गिन रहे होंगे कि उन्होंने ये सब चीज़ें करने से मुझे रोका होगा, पर क्या किसी ने ये नोटिस किया कि वो जितने बार मुझे अजीब अजीब सी सिचुएशंस देते थे जो शायद नॉर्मली लाइफ में आ भी नहीं सकती हैं, पर अगर आ जाए तो उसमें मेरा क्या रिएक्शन होगा. वो काहे के लिए देते थे? नहीं, मजाक उड़ाने के लिए नहीं देते थे, वो सिर्फ इसलिए देते थे बिकॉज ही न्यू दैट इज गोना लीव इन 105 डेज एंड ही वॉन्टेड मी टू बी स्ट्रांग मेंटली. जाते जाते ही सेड ओनली वन थिंग कि सुम्बुल का ध्यान रखना. आई थिंक उतना उनका कहना काफ़ी है. लेकिन आपका जो शालीन के साथ जिस भी तरीके से हुआ उससे दर्शक भी हर्ट हुए, फैंस भी हर्ट हुए, पर्सनली मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि जिस तरीके से दो अलग हो गए, लड़ाई हो गई. पेनफुल इज जस्ट दैट कि आई वॉज अ लिटिल रिलीव्ड कि ज़्यादा देर नहीं हुई थी, कि ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ. बाहर ऑफकोर्स हुआ होगा बहुत, पर अंदर मुझे जितना मिला, मुझे जितनी ज़्यादा तकलीफ हुई, दूर रहना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर था. मैं तो चाह रही थी कि मैं रास्ते ही अलग कर लूँ, कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बट इफ़ यू गाइज रिमेंबर ही स्टार्टेड नॉमिनेटिंग मी, फिर मैं पीछे क्यों रहूँगी. I never wanted that. He started it, I ended it. Simple as that. So, thank you guys. So, you have a very hypocritic approach towards the game. मैं दो इंसिडेंट्स बताना चाहूँगा आपको. सबसे पहले तो आपको अपनी एज को लेके बहुत ही वो था कि आपको बच्ची बच्ची शादी जब बोलते थे बहुत दिक्कत थी उससे. बाकी उसके अलावा अगर बात करें तो आप Sorry? और दूसरा इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले टॉर्चर टास्क हुआ था. टॉर्चर टास्क के बीच में जब नॉन मंडली जो टीम थी वो जब खेल रही थी तो उस वक्त आप नए नए आइडियाज दे रहे थे उनको. वहीं जब आपकी मंडली जब वहाँ पहुंची तो आप उनको बोल रही थी कि रात में तुम सो रहे, तुमको बताते हैं क्या करते हैं. तो डोंट यू थिंक सो यू हैव अ वेरी हिपोक्रेटिक अप्रोच टुवर्ड्स द गेम? नो, आई डोंट थिंक सो. और जो उम्र का आपने बात बताया, जब शालीन आपको बच्ची बोलती थी तो उससे आपको दिक्कत होती थी, लेकिन वहीं पे आपको इस बात से भी तकलीफ थी कि आप सॉरी, पर मैं ना ये चीज के साथ अग्री करती हूँ कि मैं 19 साल की हूँ, मैं वहाँ पे सबसे यंगेस्ट थी. मैंने कभी उस चीज़ का फ़ायदा उठाना नहीं चाहा, ना कभी ऐसा मांगा कि मुझे मेरी एज के हिसाब से मेरा ख्याल रखो या मेरे साथ बिहेव करो. अगर ऐसा मैं बोलती या अगर ऐसा हो रहा होता तो शायद मेरी इतनी बेइज्जती नहीं होती उस घर में, मेरी इतनी वाट नहीं लगती. मुझे प्रॉब्लम बोलने से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम बोलने के तरीके से है कि आप चलो ठीक है. मेरे दोस्त मुझे शिव सोनिया बोलता है प्यार से, निमृत मुझे बच्चा बोलती है. क्या मैंने कभी बुरा माना? नहीं, क्योंकि वो मेरा मजाक नहीं उड़ाते हैं. जिस तरीके से शालीन ने बोला मेरा मजाक उड़ रहा था, जस्ट बिकॉज आई एम द यंगेस्ट डजंट मीन कि मेरे ओपिनियंस कोई मायने नहीं रखते. सिंपल एज दैट. अगर किसी को हिपोक्रेटिक लग रहा है, गाइस आई हैवंट स्लेप्ट. लेकिन जिस वक्त आपके पापा आए थे स्टार्टिंग के टाइम में और जब उन्होंने बात उस टाइम के लाइमलाइट में, आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उस चीज के बाद से थोड़ा सा आपके गेम पे असर आया? मैंने कोई गेम खेला ही नहीं है भाई. ये कौन सा गेम है जिसकी तुम लोग बात कर रहे हो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा. मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि मैंने पूरे शो में हर एक चीज़, जो भी चीज़ें की हैं, जो भी रिश्ता बनाया है, जो रिश्ता तोड़ा है, जो रिश्ता लेकर मैं बाहर आई हूँ, जितनी चीज़ें मैंने पूरे घर में की हैं वो मैंने तभी की हैं जब मुझे वो जेन्युइनली दिल से फील हुई हैं. एंड आई रेस्ट माय केस. डिपेंड्स, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स. Very different के बारे में क्या कहना अभी तक मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, मुझे तो आप लोग बता रहे हो. प्रियंका भी हो सकती है, ऐसा गुड फॉर हर, इट्स नाइस. आपके हिसाब से कौन होगा बिना? आप जानते हैं उनको, मेरे हाथ में हो तो मैं तीनों को जिता दूं, मेरी मंडली को. टीना शालीन से मिलना पसंद करोगे या दोस्ती बनाना पसंद करोगे? ना भैया, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इससे मतलब बहुत नेगेटिव एटमॉस्फेयर आजू बाजू होता है, तो इसमें अपनी सैनिटी इंटैक्ट करने के लिए व्हाट इज दैट यू डू? आई लव दैट क्वेश्चन, आई लव दैट क्वेश्चन. साजिद सर, साजिद सर,
उन्होंने जितना दिमाग दौड़ाया है हमारा, उन्होंने उसके साथ साथ जितनी कहानियाँ हमें सुनाई हैं, जितना हमें सेन रखा है, हमारा दिमाग साफ रहा है ताकि हम लोग पूरे वक्त गेम का स्ट्रेस नहीं लिए हैं और गेम से उस नेगेटिविटी नेगेटिव एनर्जी से बहुत दूर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ साजिद सर के कारण। और साजिद सर के जाने के बाद आई रिमेंबर कि मेरे दिमाग में पूरा टाइम ये सब चीज़ चल रही थी कि घर में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि सिर्फ एक लौते साजिद सर थे जिन्होंने हम सबको एकदम सही सलामत रखा था कि हम लोग मेंटली ठीक रहें, लेकिन हम लोग उनके जाने के बाद सिर्फ ऐसे हो गए थे कि अभी सिर्फ गेम बचा है हाथ में और कुछ भी नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ साजिद सर थे जिनके कारण हम एकदम सेन थे। साजिद सर की इमेज वैसे भी बात सही नहीं थी, यस ही इज़ अ फादर फिगर फॉर मी, आई लव हिम, अलग लगाव है उनसे, आई केयर अबाउट हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम, एंड जो भी चीज़ें जो भी गलत होगा आई थिंक वो सब मिसकंसेप्शन है, मैं उनके साथ रही हूँ, मुझे अपनी बच्ची मानते हैं, और घर से निकलने का ही इज़ दी ओनली वन जिन्होंने मुझसे मुझे कॉल किया और मुझसे पूरा दिन से बातें कर रहे हैं, ही इज़ दी ओनली वन। पर सुमन जब आपके डांस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई घर के प्लस बाहर, लेकिन साजिद खान और अंजू स्टैनिक थे जो कि काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे मजाक उड़ रहे थे और आपके फैंस काफ़ी हर्ट थे इस बात से कि मतलब वो डांस करी इतना अच्छा टैलेंट है और उसका मजाक उड़ाया जाए। इट जस्ट दैट कि एक किसी भी रिएक्शन का के एक रिएक्शन के कई मतलब हो सकते हैं, कई मतलब निकाले जा सकते हैं। हमें बार बार कई बार ऐसा होता है कि हमें देख के समझ नहीं आता है कि ये इंसान ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो मजाक उड़ाने के लिए हो, उसका कोई कारण हो सकता है। जैसे मैंने अभी बोला कि साजिद सर हमको सेम रखते थे उस हंसी मजाक से, उस हंसी से, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई भी बिकॉज आई टेक अगर कोई मुझे रोस्ट करे आई टेक इट व्हेन इन अ वेरी ह्यूमरस वे, आई एम हैप्पी विद इट। अगर मेरी वजह से लोग हंस रहे हैं इट्स ऑल राइट, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, और अगर वो लोग हंसे हैं वो लोग खुश हुए हैं उसके लिए भी एक कारण है ऑफकोर्स कि द वे आई डांस इज़ वेरी डिफरेंट, लाइक दे कॉन्ट्रेडिक्ट विद माई फेस दैट द वे आई एक्सप्रेस माई सेल्फ वाइल डांसिंग कि एक्सप्रेशन एकदम थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। सो आई थिंक इट्स अ फनी थिंग, मुझे नहीं लगता कि इतना फनी चीज़ है, इतना करने वाले तुम लोग, थैंक यू बस अच्छे से अच्छा काम करती रहूँगी और कुछ भी नहीं सोचा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हमें कहा।